और कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है? सब बढ़िया? और बताइए, पढ़ रहे हैं ना रशियन? कर रहे हैं ना प्रैक्टिस? बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वर्ब कॉन्जुगेशन के अंदर और आगे, ठीक है? वर्ब कॉन्जुगेशन मैंने आपको सिखा दिया था पहली वीडियो के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर हम वर्ब कॉन्जुगेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज मैंने आप लोगों ने एक तैयार की है, तो एक नोटबुक निकाल लीजिए, एक पेन निकाल लीजिए और फिर नोट्स बनाइए, ठीक है? लेट्स गेट टू वर्क। वेलकम टू लर्न रशियन फास्ट। आई एम जयान, योर रशियन लैंग्वेज टीचर फ्रॉम इंडिया। लेट्स गेट टू वर्क। सो अब आप लोगों के लिए मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स तैयार किए हैं, ठीक है? या फिल इन द ब्लैंक चेक, ठीक है? ती फिल इन द ब्लैंक रमान, ठीक है? ओन फिल इन द ब्लैंक पिस्मो, अना फिल इन द ब्लैंक जुर्नल, मुई फिल इन द ब्लैंक खिनिका, वुई फिल इन द ब्लैंक गजेता, अनी फिल इन द ब्लैंक प्रवीला। आए समझ में? ये हमारे फिलिंदा ब्लैंक्स हैं और आज हम इन फिलिंदा ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे इस वर्ब की मदद से, जिसका हमारा जो वर्ब है आज की वो है चिताज, ठीक है? अब देखते हैं इस वर्ब को यहाँ पर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में लगाना है हमें इसको। तो अब हमें इसकी फॉर्म्स की एंडिंग आपको याद होंगी, यू, यश, यत, यम, येचे, यूत, ठीक है? ये नहीं याद करी है तो लॉस कराया तुमने अपना, ठीक है? सुन लो मेरी बात, तुमने अपना लॉस कराया अगर नहीं याद करी है तो। ये आप फिल इन द ब्लैंक भरने हैं तो बताओ जल्दी से, या फिल इन द ब्लैंक चेक्स, चिताज, ठीक है? चिताज मैं 5 सेकंड दे रहा हूं तुम्हें, 5 तक गिनूंगा, लाइव चैट में रिप्लाई दो। चलो, 1, 2, 3, 4, 5, टाइम अप। अब देखो, या चितायु चेक्स्ट, या चितायु चेक्स्ट, ये हमारी फॉर्म यहां पर आ गई इस वर्ब की। तो ये सेंटेंस पूरा हो गया कंप्लीट, या चितायु चेक्स, आई एम रीडिंग टेक्स्ट, ठीक है? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक की तरफ, जो है हमारा ती फिल इन द ब्लैंक रमान, ठीक है? ती फिल इन द ब्लैंक रमान, रमान का मतलब क्या होता है? नॉवेल, ठीक है? तो ती यू, यू और रमान, ठीक है? मतलब आप क्या कर रहे हैं नॉवेल के साथ, क्या कर रहे हैं आप नॉवेल के साथ बताइए तो सही, हमें बताइए तो सही। 1, 2, 3, 4, 5, टाइम अप। अब देखो, तो ये हमारी वर्ब है यहाँ पे चेताज, उसको कंजुगेट करके लगाते हैं, पढ़ ही रहे होंगे ज्यादातर, और क्या कर सकते हैं नॉवेल के साथ। तो ये तो ही तुई चिताएश रमान, तुई चिताएश रमान, यू आर रीडिंग नॉवेल, ठीक है? तुई चिताएश रमान, यू आर रीडिंग नॉवेल। ओन चिताज से हो जाएगा हमारे यहाँ पर चितायत, ओन चितायत पिस्मो, ही इज रीडिंग लेटर। अना जुर्नाल, तो ये हो जाएगा हमारा अना चितायत जुर्नाल। मुई चितायम खिनीगा, मुई चितायम खिनीगा, वही चिताईचे गजेता, वही चिताईचे गजेता। अनी, अनी के लिए क्या फॉर्म थी?
क्या एंडिंग थी याद है ना? अनी चिता यूत प्रवीला, अनी चिता यूत प्रवीला, दे रीड करेक्टली। समझ रहे हो? तो अब पढ़ते हैं इसको एक बार, क्या है ये? ठीक है, एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। या चितायु टेक्स्ट, आई एम रीडिंग टेक्स्ट। या हमारा है यहां पर आई, चितायु हमारी है यहां पर एक वर्ब है चिताज, मालूम है ना। फिर हमारा एक नाउन टेक्स्ट, ठीक है, यार जिसका मतलब होता है टेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा या चितायु टेक्स्ट, आई एम रीडिंग टेक्स्ट। फिर है हमारा सेकंड सेंटेंस, तुई चिताएश रामान, तुई चिताएश रामान, यू आर रीडिंग नॉवेल। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर तुई चिताएश रामान, तो जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक था, वो जो वर्ब आनी थी यहाँ पर, वो कॉन्जुगेट हुई इस पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, तब वो फिल इन द ब्लैंक भरा है यहाँ पर। ठीक है, तो तुई चिताएश रामान, यू आर रीडिंग नॉवेल। फिर हमारा थर्ड वन, ओन चिताएत पिस्मो, ओन चिताएत पिस्मो, ही इज रीडिंग लेटर, ओन चिताएत पिस्मो। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर जो चिताश वर्ब थी हमारी, वो ओन के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हुई यहाँ पर, और ये इस फिल इन द ब्लैंक को फिल किया और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर ओन चिताएत पिस्मो। फिर है हमारा नेक्स्ट अना, अना चिताए जुर्नल, ठीक है, अना चिताए जुर्नल। अब आप इससे क्या है, मतलब क्या आ रहा है इसका? शी इज रीडिंग मैगजीन। तो अना फिल इन द ब्लैंक जो था हमारा, वो फिल हुआ चिताश की वजह से, जो चिताश हमारी वर्ब थी वो अना के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हुई, और तो वो हमारा यहाँ पर चिताश हुआ, और ये जुर्नल था, मिलकर ये हो गया अना चिताए जुर्नल, मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया अना चिताए जुर्नल, शी इज रीडिंग मैगजीन। फिर हमारा नेक्स्ट, जैसे कि मई, मई चिताएम खिनीगा। अब आप मई चिताएम खिनीगा है, तो आप इससे क्या समझेंगे? वी आर रीडिंग बुक। मुझे नहीं पता आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, पढ़िए। तो वी चिताई चे गजेता, वही वही मतलब आप, ठीक है, वही चिताई चे आप पढ़ रहे हैं गजेता, आप अखबार पढ़ रहे हैं, वही चिताई चे गजेता। ओ माय गॉड यार, देख रहे हो गर्मी गर्मी गर्मी, द वेदर इज आई डोंट नो, नेचुरल डिजास्टर इज अकरिंग। सो चलिए कपे काम पे लगते हैं फिर से। तो अनी, अनी के अनी क्या था हमारा, अनी के अकॉर्डिंग ये चिताज हमारी वर्ब कॉन्जुगेट हुई, इसकी जो भी एंडिंग थी वो रिप्लेस हुई, उसमें नई एंडिंग ऐड हुई। हमारा नेक्स्ट पर्सन प्रोनाउन है अनी, ठीक है, अनी, अनी के अकॉर्डिंग हमारी चिता की वर्ब कॉन्जुगेट हुई, इसकी एंडिंग यहाँ से लूज हुई, नई एंडिंग ऐड हुई, तो ये हमारी वर्ब यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक को फिल किया। अनी चितायुत प्रवीला, दे रीड करेक्ट। तो एक बार इसको रीड करते हैं जल्दी से। या चितायु चेक्स्ट, ती चिताये श्रमान, ओन चिताये पिस्मो, अना चिताए जुर्नल, मुई चिताएम खिनीगा, वही चिताईचे गजेता, अनी चितायुत प्रवीला। समझ रहे हैं आप यहाँ पर क्या हो रहा है? ये फिल इन द ब्लैंक हमें सॉल्व करने थे इस वर्ब को कॉन्जुगेट कर कर, ठीक है। ये कॉन्जुगेट किसके अकॉर्डिंग होगी? ये जो वर्ब, जो सेंटेंस चांसेस, जो फिल इन द ब्लैंक है उस शुरुआत में जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्ब कॉन्जुगेट होती है हमारी। समझ रहे हो आप? सेंटेंस किसके बारे में है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब कॉन्जुगेट होती है।
समझ रहे हैं? तो उतार लिया होगा आपने ये, तो समझदार अच्छे बच्चे हो गए हैं आप। वैसे तो सब बढ़िया, मजे से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, हम हैं आपके साथ, टेंशन नो। तो या चितायु चैक्स दी चिताए श्रमान ओन चिताए पिस्मो। हिंदी में पढ़ते हैं इसको एक बार, ठीक है, मजा आएगा। मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूं, मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूं, तुम नॉवेल पढ़ रहे हो, तुम नॉवेल पढ़ रहे हो, ओन चिताएत पिस्मो, वो लेटर पढ़ रहा है, वो लेटर पढ़ रहा है, ओन चिताएत पिस्मो, अना चिताएत जुर्नाल, वो मैगजीन पढ़ रही है, मुई चिताएम खिनीगा, हम किताब पढ़ रहे हैं, वही चिताईचे गजेता, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अनी चितायुत प्रवीला, वो सही पढ़ रहे हैं। तो चलिए, या चितायु टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूं, तो ही चिताए श्रमान, तुम नॉवेल पढ़ रहे हो, ओन चिताए पिस्मो, वो लेटर पढ़ रहा है, अना चिताए जुर्नाल, वो मैगजीन पढ़ रही है, मुई चिताएं खिनीगा, हम किताब पढ़ रहे हैं, वही चिताईचे गजेता, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अनी चितायुत प्रवीला, वो सही पढ़ रहे हैं, समझे? तो ये हमारी वर्ब थी चिताच, ये कॉन्जुगेट हुई है, उसके अकॉर्डिंग सारे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल हुए हैं, इसको उतारो। मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? ऐसे नहीं आएगी रशियन, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहीं पर हमारा भी लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है, तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मैंने जिस तरीके जितनी ज्यादा आसानी से मैं आपको समझा सकता था, मैंने आपको सब समझा दिया, ठीक है? तो अब मेहनत में लगना है, ठीक है? मेहनत मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर लर्निंग रशियन। इफ यू वॉन्ट टू लर्न रशियन, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, इट इज नीडेड। सो अच्छे से काम करो, और इसको रिवाइज करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना कर सकते हो करना, ठीक है? क्योंकि करनी तो पड़ेगी अगर सीखनी है। और कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग। घर पर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, और बाहर भी जा रहे हो तो मास्क लगा कर जाओ, सैनिटाइजर कैरी करो अपने साथ, छोटा वाला आता है जेब में रख कर वो कैरी करो, और पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा कर देना, नॉलेज को फैलाने में मेरी मदद करनी है तुम लोगों को, ठीक है? जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, हमें इस नॉलेज को फैलाना है, ठीक है? चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पक्का।